दोस्तों अंडमान टूरिज्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंडमान टूर पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको 4 रात 5 दिन का टूर पैकेज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि 4 रात 5 दिन का टूर पैकेज कैसा बनेगा और जानेंगे कि पैकेज का रेट कितना होगा। दोस्तों 4 रात 5 दिन का टूर प्रोग्राम में 3 रात पोर्ट ब्लेयर में स्टे होगा और 1 रात हेवलॉक में स्टे होगा। पहला दिन का टूर प्रोग्राम कैसा होगा जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें। हवाई अड्डे से प्रस्थान करने पर हमारा ड्राइवर आपसे वीर सावरकर हवाई अड्डे पर मिलेगा और आपको अपने वाहन में बैठाकर होटल ले जाएगा। होटल पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करें। होटल में चेक इन करने के बाद आराम करें। पहले दिन का दौरा दोपहर में शुरू होगा। पहले दिन आपको सेलुलर जेल, कार्बिन्स्को बीच और सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो के बाद आपको होटल छोड़ दिया जाएगा। शॉर्ट ब्रीफ। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल थी। इस जेल का निर्माण भारत के क्रांतिकारियों को सजा देने के उद्देश्य से किया गया था। कॉर्बिन कोव बीच पोर्ट ब्लेयर शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र तट तैराकी और जल गतिविधियों के लिए आदर्श है। सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो हर दिन सेलुलर जेल परिसर में शाम 5 बजे शुरू होता है और आखिरी शो शाम 7 बजे होता है। इस ध्वनि और प्रकाश शो के माध्यम से अंडमान और सेलुलर जेल के इतिहास को जीवंत किया गया है। दूसरे दिन का टूर प्रोग्राम कैसा होगा जानता है। आज नाश्ते के बाद आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाएंगे। नाव सुबह 8 बजे से दोनों द्वीपों के लिए रवाना होती है, इसलिए आपको दोनों द्वीपों की यात्रा के लिए अपना होटल जल्दी छोड़ना होगा। आपको ड्राइवर या टूर गाइड द्वारा होटल से निकलने का समय बताया जाएगा। आपको सुबह 8 बजे नाव के पास छोड़ा जाएगा और दोपहर 3 से 4 बजे के बीच वापस उसी स्थान से पिक किया जाएगा जहां पे आपको ड्रॉप किया गया था। आइलैंड से लौटने के बाद आपको होटल छोड़ दिया जाएगा। शॉर्ट ब्रीफ। अंग्रेजों का हेडक्वार्टर्स रॉस आइलैंड में था। रॉस आइलैंड में पर्यटक देखने के लिए पुराना गवर्नर हाउस, वाटर प्लांट, चर्च, बाजार, मोर और हिरण भी देख सकते हैं। रॉस आइलैंड वर्तमान में भारतीय नौसेना के अंडर में है। रॉस आइलैंड अपने मैत्रीपूर्ण हिरण दौड़ और समृद्ध हरे पैदल मार्गों के लिए जाना जाता है। जल प्रेमी नॉर्थ बे आइलैंड पर तैराकी का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको मूंगे को बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है। यहां आप हर तरह की वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। इस आइलैंड का चित्र भारतीय 20 रुपए के पीछे दिया गया है क्योंकि इस आइलैंड के मूंगे बहुत सुंदर और अद्भुत हैं। नॉर्थ बे आइलैंड में आप स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, ग्लास बोट राइड, पैरासेलिंग और कई अन्य खेलों का आनंद ले सकते हैं। तीसरे दिन का टूर प्रोग्राम कैसा होगा जानते हैं। आज आप प्राइवेट क्रूज से हेवलॉक जाएंगे। हेवलॉक के लिए क्रूज सुबह 6:30 से 8:30 के बीच चलता है। क्रूज के हेवलॉक द्वीप पहुंचने के बाद आप क्रूज से बाहर आएंगे और गेट की ओर चलेंगे। हमारा ड्राइवर आपको गेट के बाहर मिलेगा और आपको अपने वाहन में बैठाकर होटल ले जाएगा। होटल पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करें। होटल में चेक इन करने के बाद आराम करें। आराम के बाद राधानगर बीच पर जाएं और शाम को होटल वापस आएंगे। शॉर्ट ब्रीफ। क्रूज पोर्ट बालिर से प्रस्थान से 1 घंटे पहले बोर्डिंग होती है। यदि आप अंत में जेटी पर जाते हैं तो आपको क्रूज पर नहीं लिया जाएगा। राधानगर बीच आइलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो हेवलॉक आइलैंड का मुकुट रत्न है। राधानगर बीच के बारे में 2004 में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थित इस अद्भुत सफेद रेत वाले बीच ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। शानदार फैले हुए जंगल अपने आप में आकर्षक हैं। इस सफेद रेत वाले बीच का आकर्षण हमेशा शौकीन बीच पर जाने वालों को आकर्षित करता है। इस बीच की सुंदरता ने अंडमान सागर के पार से नावों को आकर्षित किया है। राधानगर बीच वास्तव में चौंकाने वाला है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। शाम के समय बीच पर सूर्यास्त का आनंद भी लिया जा सकता है। चौथे दिन का टूर प्रोग्राम कैसा होगा जानते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अपने होटल से चेकआउट करें और कल्पाथेर बीच के लिए जाएंगे। कल्पाथेर बीच देखने के बाद आफ्टरनून में पोर्ट ब्लेयर लौटने के लिए क्रूज लेंगे। दोपहर या शाम को पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान करेंगे। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद वाहन आपको होटल छोड़ देगा। शॉर्ट ब्रीफ। काला पत्थर बीच हेवलॉक आइलैंड पर एक आकर्षक बीच है। इस आश्चर्यजनक बीच में बढ़िया रेत के बिस्तर और फिरोजा नीला पानी है। बीच काला पत्थर शहर के करीब स्थित है। इसका नाम बीच के कारण पड़ा है। आप बीच की चकाचौंध सुरमय सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप समुद्र के किनारे असाधारण ऊर्जा निवेश कर सकते हैं। समुद्र के किनारे सैर करना आनंददायक रहेगा। आप अपने बालों के माध्यम से ठंडी हवा का झोंका महसूस करेंगे। महीन रेत पर टहलना और काला पत्थर के दृश्यों को देखना एक और आरामदायक अनुभव है। चलिए जानते हैं कि 5वें दिन में क्या होगा। पैकिंग और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए सुबह निःशुल्क। समय पर होटल से चेक आउट करें और जेटी या हवाई अड्डे पर स्थानांतरण करें। यात्रा समाप्त। दोस्तों पैकेज का कुल खर्च 27,901 कपल का होगा। दोस्तों पैकेज में कौन सा होटल यूज करेंगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर में हम होटल किंगसर, होटल इन्फिनिटी, होटल मैनाक या इसी तरह के अन्य होटल का उपयोग करें। दोस्तों पैकेज में क्या शामिल होगा जानते हैं। डबल शेयरिंग के आधार पर नाश्ते के साथ संबंधित होटलों में दिए गए कमरों देंगे।
उपरोक्त दरें प्रति युगल के आधार पर हैं। सभी दर्शनीय स्थल निजी एसी वाहन से एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप सहित सभी स्थानांतरण के साथ पूरे दिन का दौरा। हैवलॉक आइलैंड पर निजी क्रूज से यात्रा। सभी एंट्री टिकट, बोट टिकट और परमिट चार्जेज। सभी तरफ के क्रूज टिकट, जब तक कि कोई क्रूज तकनीकी समस्याओं में न चला जाए या मौसम की स्थिति के कारण नौकायन न हो जाए। यदि किसी कारण से निजी क्रूज संचालित नहीं हो रहा है तो आपको सरकारी नाव का टिकट दिया जाएगा। संबंधित होटलों में ब्रेकफास्ट। आयुष पर्यटन टूर्स एंड ट्रेवल्स के गाइड सभी आइलैंड में सहायता करेंगे। सभी प्रमुख प्रवेश निकास बिंदुओं, हवाई अड्डे, जेट्टी, जेल, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हैवलॉक आदि पर फील्ड एग्जीक्यूटिव द्वारा यात्रा सहायता। सभी डेडिकेटेड व्हीकल चार्जेज स्कॉर्पियो, सीलो, एर्टिगा, टवेरा, स्विफ्ट डिजायर यात्रा कार्यक्रम के अनुसार ऐसी व्हीकल होगा और डिस्पोजल में नहीं होगा। नॉटिका, मक्रूज, ग्रीन ओशन, सीलिंग द्वारा हैवलॉक आइलैंड में ले जाया जाएगा। दोस्तों, इस पैकेज में क्या इंक्लूडेड नहीं होगा जानते हैं। जीएसटी, एयरफेयर, ट्रेन टिकट्स, लंच, डिनर, पर्सनल एक्सपेंसेस, टिप्स, टेलीफोन कॉल, लॉन्ड्री, लिकर आदि। कोई अन्य वस्तु जो लागत में शामिल नहीं है इंक्लूडेड नहीं होगा। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के दौरान गाइड और प्रवेश शुल्क, जीप सफारी और एलिफेंट की सवारी पार्क पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह के कोई भी टूर बुक करना चाहते हैं तो आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स से कॉन्टेक्ट करिए। आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको बहुत कम रेट में पैकेज दे सकता है। दोस्तों, आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स का कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ऑफिस का एड्रेस स्क्रीन पे दिया हुआ है। दोस्तों, देर किस बात का, जल्दी फोन करिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज कमेंट्स करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।